how do you get into competition first of all, okay? And then what are the sacrifices that you have to give to play a competition? And the third question is, जो ये है कि जो myth है, I think मुझे नहीं पता इस सच्चे की झूठ है, you cannot have children after playing the competition. ऐसा कुछ है? तो भाई देख, सबसे पहली चीज मैं वो उस वाले क्वेश्चन का क्लियर करता हूँ कि मतलब बॉडी मतलब कंपटीशन तक कैसे पहुंचते हैं. भाई सबसे पहली बड़ी बात है कि इसमें सैक्रिफाइस होता है अपनी लाइफ का. अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हो आप, जैसे आर्मी में आप अपनी लाइफ अपनी कंट्री को दे देते हो ना, वैसे यहाँ पे आप अपनी लाइफ अपने आप के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो अपने, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हो. ठीक है, अब सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो? देख बॉडी बिल्डिंग में ऐसा है, आज मतलब आज के जमाने में पहले से ही चल रहा है यार, अब क्या बोलूंगा. आज के जमाने में भाई अगर आपकी बॉडी में स्टेरॉइड नहीं है तो आप स्टेज पर मतलब लगा ले, स्टेज पे एक सुअर है ठीक है और बाकी सारे के सारे जिराफ है, तो अलग कौन लगेगा? सुअर लगेगा ना. तो सुअर वो ऐसा बंदा है जिसने स्टेरॉइड नहीं लिए. ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी होते हैं बट बहुत कम, बहुत कम. और मतलब कैटेगरी है एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की अलग से है, 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 पर लगा ले 100% में से 20% भी मुश्किल से इंडिया में तो बहुत ही मुश्किल से भाई. ठीक है, तो पता क्या मैंने मतलब इस लॉकडाउन में ये सोचा है कि मैं कोशिश करूंगा ये करने की कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ना इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड और फैले. क्योंकि पता क्या, व्हेन यू आर टेकिंग स्टेरॉइड ना, ठीक है यू आर टेकिंग इन अ लिमिट obviously it is harmful for your body, you know that. आपकी बॉडी वो बना रहा है but you know कि it's harmful for your body. ठीक है, but लोग ना मतलब लोगों का क्या बोलते हैं यार उसको, लोगों का पैशन इतना होता है ना कि भाई लोग केयर नहीं करते अपनी लाइफ के बारे में. they work for that medal, they work for that trophy. मुझे ये मुझे फाइट कर लिया उसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा. अब जब मैं भाई मुझे तेरी आवाज कट गई थोड़ा सा, बॉडी बिल्डिंग ऐसा होता है जो तू पहले बोल रहा था वो बोल, तेरी आवाज कट गई बीच तेरी आवाज कट रही है, शोर भी आ रहा है कट आवाज अब आ रही है. अरे 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 हां तो कहां से कटी थी आवाज भाई? आवाज कटी थी जहाँ पे तो बोल रहा है इंडिया में दे गो फॉर द मेडल एंड दे रन देयर लाइफ्स अप फॉर द मेडल. उसके बाद से हाँ मतलब वो ये टू रिप्रेजेंट इंडिया इन अ इंटरनेशनल लेवल, बट वो ये भाई गवर्नमेंट ना सपोर्ट नहीं करती बॉडी बिल्डिंग को. क्यों नहीं सपोर्ट करती भाई ये अभी तक नहीं पता. मतलब लोग ये बोलते हैं कि भाई उसमें स्टेरॉइड है, ड्रग्स वगैरह है, इस वजह से गवर्नमेंट इसको एंडोर्स नहीं करती. तो भाई देख यही है, और ये जो मिथ है ना बच्चे नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है भाई. मतलब ये एक लेवल पे भाई देख टेस्टोस्टेरोन होता है, व्हेन यू आर टेकिंग स्टेरॉइड ना वो टेस्टोस्टेरोन यहाँ से लेके यहाँ पहुंचता है. व्हेन यू आर टेकिंग स्टेरॉइड, व्हेन यू आर ऑन साइकिल, समझ ले तेरी 4 महीने की साइकिल है, तूने 4 महीने ड्रग चलाया ठीक है, अब तब टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना है. ठीक है, अब देर इज देर इज अ थिंग कॉल्ड ऑफ सीजन जिसमें आप कॉम्पिटिशन नहीं खेलते, उस टाइम आपकी गेनिंग चलती है. You are not taking any steroids. You are just on your diet and your supplement. ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा के वापस ऊपर लाना होता है. टेस्टोस्टेरोन इज लाइक अ मसल. हाँ मतलब टेस्टोस्टेरोन इज लाइक अ मसल, अपने आप गिरेगा, उठाने वाले भी हम ही है. अपने आप नहीं गिरेगा मतलब हम ही गिराएंगे, हम ही उठाएंगे. तो ऐसा कुछ नहीं है. हाँ ये होता है कि मतलब व्हेन यू आर टेकिंग स्टेरॉइड यू कांट हैव सेक्स, मतलब उस टाइम तो आपका इरेक्शन ही मुश्किल से होता है. ठीक है, बट व्हेन जब आप अपने बॉडी से सब कुछ निकाल रहे हो, सारा निकाल दिया आपने, मतलब निकल रहा है धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन आगे जा रहा है, देन यू कैन कंटिन्यू योर सेक्स लाइफ. मतलब लगा ले शुरू के 6 महीने तक, मतलब जब आप लगा रहे तो शुरू के 4 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आपने स्टेरॉइड ले लिया, देन आफ्टर उसके बाद जो कॉम्पिटिशन है आपका
अब कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर मतलब पूरे साल भर स्टेरॉइड्स पे रहते हैं, पूरे साल भर, मतलब एक साल भी नहीं, दो साल, तीन साल, चार साल स्टेरॉइड पे रहते। तो ऑन दैट कंडीशन व्हाट दे डू, मतलब वो शादी बहुत जल्दी कर लेते हैं एंड दे हैव बेबी बिफोर टेकिंग स्टेरॉइड, तब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, तो तब क्या करते हैं वो तब बेबीज कर लेते हैं, फिर उसके बाद दे टेक एज मच स्टेरॉइड्स दे कैन, एंड देन व्हाट हैपेंस समटाइम, मतलब उनकी बॉडी वो लोड ले नहीं पाती और समटाइम्स दे गेट हार्ट अटैक और उसकी वजह से डेथ। तो रिच पे आना है एक बंदा, मतलब मेरे को अच्छा लगता था यार वो बंदा, मतलब उसकी भी डेथ हो गई हार्ट अटैक से ही हुई थी। तो यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब ऐसे डिपेंड, मतलब ये है अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो ना तो मतलब यू आर टेकिंग अ रिस्क, ऑब्वियसली यू आर टेकिंग अ रिस्क यार, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। बट वही है आजकल बॉडी बिल्डिंग में भाई हर कोई यही है कि भाई आप ये स्टेरॉइड ले लो वो ले लो, भाई जब तक आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट नहीं करोगे ना, बॉडी बिल्डिंग आगे जाएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करा ना, स्टेरॉइड बाहर में जाए भाई, देखो तो पता है जो इंजेक्शन घोड़े में लगते हैं ना, वो इंजेक्शन हम अपने में लगाते हैं बॉडी बनाने के लिए। टू ग्रो दैट मसल, अब उसमें क्या ही बोले, और भाई तू मानेगा नहीं, जो तेरा एज है ना मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंजेक्शन एज लगता है, तो अगर आप राइट किसी भी एज लगा रहे हैं ना, तो दोनों एज पे तो लगा ही नहीं सकता, पहली बार एक ही एज पे लगता रहेगा। और वो पार्ट ना इतना हार्ड हो जाता है ना भाई, इतना हार्ड कि तू बोलेगा कि व्हाट इज क्या ही है? पर तेरे को भाई, और समझ ले तेरे को उसी में लेग्स की एक्सरसाइज भी करनी होती है, तेरे यहाँ पे 100 किलो का वेट है और तेरे एज में मतलब तू इंजेक्शन लगा कर आया उस टाइम, और फिर तू उसी के साथ एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो भाई मतलब बहुत सारी चीजें होती है, इट्स नॉट दैट इजी। बट वही है कि मैं ये कोशिश करूंगा कि लोग ना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करें, ताकि इससे जिंदगी भी कम जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कोई वो नहीं रिस्क नहीं है कि आप ही जान चली जाएगी, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में तो भाई क्या है, आपको स्टेरॉइड ले रहे हो, आपकी लाइफ नेचुरल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बट व्हेन यू आर टेकिंग ड्रग्स, आप अपने लिए भी रिस्क ले रहे हो और पूरी फैमिली के लिए भी रिस्क ले रहे हो, ऐसे डिपेंड है। बट हाँ, अगर किसी के मन में ये है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपना एक नाम बनाना है कि हम विश्व ओलंपिक जैसे स्टेज पर जाना है, तो भाई उसको तो आप रोक नहीं सकते, ठीक है, उसको तो आपको भाई आप उसको बस यही बोल सकते आई सपोर्ट यू इन दिस, बट फिर बाय द एंड ऑफ द डे ना लाइफ मैटर, मतलब कोई भी बंदा हो लाइफ मैटर,